मंगल उपनिषद हिमालय की चढ़ाई है। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ कि जरा कमर कसना होगा तुम्हें, क्योंकि मंगल पर शास्त्रों में चर्चा बहुत कम है, करीब करीब नहीं के बराबर है। जैसे जब उमंग प्रज्ञा का सृजन हो रहा था तो उमंग पर चर्चा शास्त्रों में नहीं के बराबर है। पहली बार ओशो ने उमंग को स्पिरिचुअल कहा, अध्यात्म से उमंग को, उत्साह को जोड़ा, कहा कि थ्रिल इज स्पिरिचुअल। इसके अतिरिक्त उमंग पर कोई साहित्य, कोई चर्चा उपलब्ध नहीं थी। मंगल पर भी स्थिति वही है। और तुम सबको जानकर खुशी होगी कि सनातन धर्म में जो भी काम शुरू होता है वो मंगलाचरण से शुरू होता है। उपनिषद में देखो, जहाँ उपनिषद ऋषि शुरू करता है वो मंगल कामना से शुरू करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस इतनी ही चर्चा उपनिषद में भी है कि मंगल, मंगल कामना जरूर शुरू करते हैं। जैन धर्म का जो मूल मंत्र है, धम्मो मंगल मुक्तिः, धर्म क्या है, मंगल का शिखर धर्म है, बस इतनी ही चर्चा है। लेकिन जैन धर्म में मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए अगर गीत भी कहीं उपलब्ध हैं तो जैन धर्म में ही उपलब्ध है। मंगल पर कुछ गीत तुम लोग सुनते होंगे, तो गीत तो उपलब्ध है लेकिन मंगल पर वहाँ भी चर्चा नहीं है। और तो और मैं आशा करता था कि जब धम्मो मंगल मुक्तिः पर ओशो 550 पृष्ठ बोले, पांच महावीर वाणी भाग एक 550 पृष्ठ, मंगल की चर्चा दो पंक्ति में है बस, बाकी धर्म की चर्चा, अहिंसा की चर्चा। धम्मो मंगल मुक्तिः, अहिंसा संयमो तव, कैसा धर्म, उस धर्म के आयाम क्या है, अहिंसा है, संयम है और तप है। और इसकी व्याख्या ओशो ने 550 पृष्ठों में की है। तो मैं आशा करता था कि धम्मो मंगल मुक्तिः, मंगल पर भी कुछ पुस्तक में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन दो पंक्ति है बस। और वह भी मंगल की चर्चा नहीं है, अमंगल की चर्चा है, दुख अमंगल है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, मंगल पर सभी धर्म ग्रंथ शांत है। संत वाणी, संतों की दीर्घ परंपरा है, दीर्घ परंपरा है। और संत वाणी भी तुम सब जानते रहो कि 205 से अब तक संत वाणी पर बोला जा रहा है, 1500 से ज़्यादा वाणियों पर बोलने का मौका मिला। लेकिन मंगल पर चर्चा, बस मंगल शब्द आ गया है, आओ सखी मंगल गाओ, लेकिन मंगल क्या है इस पर कोई विचार कहीं नहीं है। और तभी तो मजा है, पहले के शिखरों पर कोई चढ़ा है तो उसी शिखर पर दोबारा तिबारा चढ़ने का मजा है, बहुत मजा नहीं है। अनकंकर अगर कोई शिखर हो और उस पर चढ़ना हो तो उसका मजा है, हिमालय का कोई उत्तुंग शिखर हो तो। मंगल करीब करीब माउंट एवरेस्ट जैसा है, जिस पर हम सबको, जैसे पर्वतारोही तो कोई 1, 2, 4, लेकिन यहाँ 300 मित्र यहाँ जमा है और सबको शिखर को छूना है, सबको शिखर को छूना है। तो इन 5 दिनों में उस मंगल शिखर पर आरोहण का ये की चर्चा होगी यहाँ। तो आओ शुरू करते हैं मंगल क्या है, और फिर मंगल के जो डिफरेंट आयाम है, मंगल और परमात्मा, मंगल और आत्मा, मंगल और धर्म, तो इस तरह मंगल के कई आयाम, मंगल और खुशी, ये सारे विषयों पर हम 5 दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा का विषय है मंगल क्या है और मंगल को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, कैसे। अब तक मंगल पर अभिव्यक्ति बहुत होती है, मैं ये नहीं कहता कि मंगल की अभिव्यक्ति नहीं होती,
लेकिन मंगल क्या है इस विषय पर धर्म ग्रंथ करीब करीब मौन है। ऑल इज वेल, ये मंगल है, सब कुशल है, सर्व कुशलता का भाव मंगल है। ऑल इज वेल, अत्र कुशलम, यहाँ सब ठीक है, तत्रास्तु, वहाँ भी सब ठीक होए। इस ये जो भाव है कि ऑल इज वेल, तुम अपने लिए फील करते हो ऑल इज वेल, मतलब मैं कुशल छू, आई एम, मैं, मेरा मंगल हो रहा है। तुम कहते हो, वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं से कि चाहो कि तुम्हारा मंगल हो, मतलब तुम्हारा ऑल शुड बिकम वेल, और मंगल भाव में स्वयं हो तो क्या करते हो, ये परमात्मा मेरा सब कुछ ठीक हो, ऑल और मेरा सब कुछ ठीक है, तेरी कृपा है, सब ठीक है। तुम हाल चाल पूछते हो भाई कैसे हो, सब ठीक है, कहते कि नहीं कहते, मतलब सब मंगल है, सब ठीक होना मंगल है। ऑल इज वेल, सर्व कुशलता का भाव मंगल है। अब मंगल की तीन प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, मनसा सोच कर, वाचा बोल कर, और फिर कर्मणा कृत्य करके। तो सोच करके तुम मंगल कर सकते हो, जैसे गौतम बुद्ध के भिक्षु थे, वो सोच के भी बोले ना बोले, कुछ लोग बोल भी तुम्हारा मंगल बोल, भिक्षु बोलते थे नहीं, बोले नहीं, मौन साधे हुए, मौन में है अधिकतर भिक्षु, उनके मौन में होते मंगल। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये लेकिन अब वाचा, अब बोल के करना, तो बोल के मंगल कैसे करते थे, ऋषि कैसे करता था, तुम बोल करके कैसे करोगे, भले सोच के कैसे करोगे। तो क्या करना है तुम सबको, कि कोई तुम्हारे सामने आया, कोई भी आया, और चाहे तुम्हारा दुश्मन ही, या किसी की याद आ गई, हो सकता है दुश्मन की याद आ गई, तो क्या करना है, भला हो उनके, भला हो उनके मंगल हो, जो भी सामने आया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, किसी की उपस्थिति तुमको अच्छी लगती है, किसी की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती, रिगार्डलेस ऑफ दैट, जैसे एक फूल खुशबू देगा, चाहे उसके तोड़ने से भाव से कोई आया कि सहलाने के भाव से आया, खुशबू दोनों को देगा, ऐसे ही मंगल भाव में रहने वाला व्यक्ति हर किसी के प्रति मंगल भाव का संप्रेषण करेगा, दुश्मन भी होगा तो उसको भी। भगवान राम जब रावण पर बाण संधान कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वो झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, तेरा मंगल हो, और तब जाकर के बाण चलाते हैं। याद रखना, तेरा शत्रु का भी मंगल हो, ये बात और है कि रावण के संघार से ही रावण का मंगल होगा, तो उसका सर्व मंगल के लिए उस पर बाण चलाना जरूरी है। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि भगवान राम रावण के प्रति अमंगल भाव से भरे हुए नहीं है, वो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में भी वे अपने दुश्मनों के प्रति मंगल भाव, ऐसा ही ये सोच होनी चाहिए सबके प्रति। और गौतम बुद्ध ठीक कहते हैं, भिक्षु पूछता है क्या मेरे चाहने से मंगल होगा क्या, बुद्ध कहते हैं कि मंगल उसका हुआ या न हुआ ये मुख्य बात नहीं है, गौण बात है, तत्काल तुम्हारा मंगल हो जाता है, तत्काल होता है, जैसे ही तुम किसी का मंगल चाहते हो तुम्हारे भीतर वो मंगल व्रत का जलस्तर उठता है, मंगल का जलस्तर उठता है और उसमें तुम्हारा मंगल हो जाता है। क्योंकि वो मंगल, जैसे तुमने प्रेम प्रज्ञा में पढ़ा था आकर्षण का सिद्धांत, प्रतिध्वनि का सिद्धांत, एक तो प्रतिध्वनि का नियम, प्रतिध्वनि का नियम क्या है, जिसको आप जो देते हो अनंत गुना वो लौटता है, तुम घृणा दो अनंत गुना होकर घृणा लौटेगी, तुम प्रेम दो अनंत गुना होकर के प्रेम लौटेगा, ठीक ऐसे ही जब तुम किसी के प्रति मंगल चाहते हो तो अनंत गुना होकर के लौटता है, ये प्रतिध्वनि का नियम है।
लेकिन आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण के नियम से, क्योंकि प्रतिध्वनि का नियम इसमें गौतम बुद्ध इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है, गौतम वो तो लौटेगा, लेकिन असली बात है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत के अनुसार तुम्हारा भला कैसे होगा? आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम ऑपरेट करते हो, उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी चीज़ें हैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तुम प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हो तो अस्तित्व का सारा प्रेम तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाता है। उसी तरह जब तुम किसी के प्रति मंगल भाव करते हो, किसी का मंगल सोचते हो, बोलते हो, करते हो, तुम मंगल की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो और इस जगत और अस्तित्व में जो भी मंगल की फ्रीक्वेंसी पर है वो तुम्हारी ओर खींच जाता है। और मंगल की फ्रीक्वेंसी पर कौन है? गुरु है, गोविंद है। और साक्षात गोविंद तुम्हारी ओर खींचने के लिए मजबूर हो जाता है, ये बंदा मंगल की फ्रीक्वेंसी पर है, अब मैं जाए बिना रह ही नहीं सकता, उसको उतरना पड़ता है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी जो कहते हैं ना, साच कहूँ सुन ले उस समय जिन प्रेम की ओर नहीं प्रभु पायो, क्योंकि प्रभु प्रेम के कारण खींचता है, और यहाँ तुम मंगल करते हो तो प्रभु मंगल के कारण तुम्हारी ओर खींच जाए। ये है आकर्षित। तो आज उपनिषद की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, कल फिर इससे आगे की बात करेंगे। हरिओम तत्सत।